जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ महिंद्रा XUV 4WO एंड XUV 3WO के डिफरेंसेस के बारे में। पहला मेजर डिफरेंस जो रहता है इन दोनों व्हीकल्स के बीच में, XUV 3WO जो है वो आपको आइस इंजन्स के साथ देखने को मिलती है, यानी कि इंटरनल कम्बस्चन इंजन्स जो कि डीजल एंड पेट्रोल रहते हैं, वेयर एज XUV 4WO जो है वो आपको फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल जाती है। XUV 400 में जो हमें रेंज देखने को मिलती है, दैट इज़ अ क्लेम्ड रेंज ऑफ 456 किलोमीटर्स। बट अगर मैं बात करूँ XUV 3WO के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो उसमें आपको जो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है वो प्रोड्यूस करता है 110 PS एट 200 Nm ऑफ टॉर्क, वेयर एज जो डीजल है वो प्रोड्यूस करता है 117 PS एट 300 Nm ऑफ टॉर्क। जो दोनों इंजन रहते हैं वो आपको 6-speed मैनुअल एंड 6-speed AMT के साथ ऑफर करे जाते हैं, वेयर एज ऑफकोर्स आपको XUV 4WO में तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगी, जो कि आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड पार्क वाले मोड्स के साथ देखने को मिल जाती है। अब बात करें इन दोनों व्हीकल्स के दूसरे मेजर चेंजेस के बारे में, दैट आर द डायमेंशंस। XUV 3WO की डायमेंशंस जो हैं वो है अंडर सब 4 मीटर वाली, वेयर एज XUV 4WO में ऐसा सिस्टम नहीं है, वो आपको ओवर 4 मीटर देखने को मिलती है। तो XUV 3WO की जो लेंथ है दैट इज़ 3995 mm एंड XUV 4WO की जो लेंथ है दैट इज़ 4200 mm, यानी कि ये फुल साइज़ वाली वर्जन रहती है जो कि सानियंग टिवोली पे बेस्ड रहती है। एंड अब अगर मैं बात करूँ हाइट के बारे में, तो XUV 3WO की हाइट रहती है 1627 mm एंड XUV 4WO की हाइट रहती है 1634 mm। विड्थ रहती है XUV 3WO की 1821 mm एंड सेम गोज फॉर द XUV 4WO, उसकी भी 1821 mm की रहती है। व्हील बेस जो है दोनों व्हीकल्स का सेम रहता है, जो कि रहता है 2600 mm का। अब अगर मैं बात करूँ इसकी बूट स्पेस के बारे में, तो आपको XUV 3WO में जो ड्रॉबैक देखने को मिलता था दैट वाज विद द बूट स्पेस, बिकॉज उसकी जो लेंथ थी वो कम रखी गई थी, इसीलिए बूट स्पेस कम देखने को मिलती थी। बट आपको इसमें जो लेग रूम है रेयर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिलता था, तो बूट स्पेस उसमें आपको 257 लीटर्स की देखने को मिलती थी। बट एज इसकी अब जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर दी गई है, तो इसमें आपको बूट कैपेसिटी भी जो है वो देखने को मिलती है 378 लीटर्स की। तो महिंद्रा ने ऐसा क्यों करा कि इस व्हीकल का जो लेंथ है वो क्यों बढ़ाया है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डू नॉट गेट एनी टैक्स बेनिफिट्स बाय बीइंग अंडर 4 मीटर्स। तो महिंद्रा ने सोचा कि इसका फुल पोटेंशियल जो है उसको हम यूटिलाइज कर दें एंड इंक्रीज द लेंथ बैक टू 4200 mm। तो XUV 4WO में आपको एक ये फ़ायदा देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके बैटरी स्पेक्स के बारे में बात करूँ XUV 4WO के, उसमें आपको मैक्सिमम पावर जो देखने को मिलेगी दैट विल बी 150 हॉर्स पावर एट 310 Nm ऑफ पीक टॉर्क, एंड जो बैटरी पैक की कैपेसिटी रहती है दैट इज़ 39.2 kW, एंड द ड्राइविंग रेंज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था दैट इज़ 456 किलोमीटर्स एज पर इंडियन ड्राइविंग साइकिल स्टैंडर्ड। एंड अब अगर मैं लुक्स के बारे में बात करूँ व्हीकल की, तो आप लुक वाइज भी देख सकते हैं फ्रंट से जो XUV 3WO है उसकी लुक कुछ ऐसी रहती है, वेयर एज ये फुली इलेक्ट्रिक रहेगी XUV 4WO जो है, तो उसमें आपको ऐसी कोई ग्रिल्स नहीं देखने को मिलती खास, क्योंकि इंटरनल कम्बस्चन इंजन्स को ज़्यादा एयर इंटेक्स चाहिए होते हैं टू कीप द इंजन कूल्ड, बट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतने नहीं चाहिए होते। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ही आपको थोड़ा बहुत ग्रिल सा देखने को मिल जाता है, जिसको हम रेडिएटर ग्रिल भी बोल सकते हैं। एंड महिंद्रा का नया वाला लोगो अब आपको देखने को मिलेगा XUV 4WO पे, एंड सून XUV 3WO विल ऑल्सो भी अपडेटेड। बाकी इसमें आपको नीचे की तरफ फॉग लैम्प्स एंड LED डे टाइम रनिंग लाइट्स नहीं देखने को मिलेंगी XUV 4WO में। डिफरेंट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कलर स्कीम देखने को मिलेगी। फ्रंट में जो आपको हेडलैम्प्स है दैट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द XUV 3WO। साइड से आपको लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलेगा, हालांकि व्हील बेस जो है दैट रिमेन्स द सेम। अब अगर रेयर के बारे में बात करूँ, तो रेयर में आप देख सकते हैं रेयर में भी आपको टेलगेट पे डिज़ाइन डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जो XUV 3WO थी वो थोड़ी दबी दबी सी लगती थी, बट अब इसका हल्का सा इम्प्रूव करा है लुक, बट अभी भी थोड़ी बहुत दबी दबी सी इसकी लुक आती है XUV 4WO की भी। एंड आप देख सकते हैं रेयर में हमें टेल लैम्प्स भी डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं XUV 4WO में, विच लुक क्वाइट यूनिक। एंड अब अगर मैं इंटीरियर के बारे में बात करूँ, तो इंटीरियर भी आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक थीम के साथ ऑफर करा जाता है एंड गोल्ड इंसर्ट्स के साथ, वेयर एज जो XUV 3WO थी उसमें आपको ब्लैक एंड बेज इंटीरियर देखने को मिलता था। ब्लैक इंटीरियर भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है विद गोल्ड इंसर्ट्स,
एंड ऑफकोर्स स्टेयरिंग व्हील पर आपको नया जो महिंद्रा का लोगो है वो देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुली डिजिटल तो नहीं देखने को मिलता, एनालॉग वाला देखने को मिलता है विद एन MID इन द मिडल, और ये आपको ब्लू थीम के साथ देखने को मिलता है विच मैचेस विद द ब्लैक इंटीरियर थीम। एंड आपको टच स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है इस व्हीकल में। ऑफकोर्स इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन तो नहीं देखने को मिलेगी, बट आपको ये सिंगल पेडल वाला जो इसमें ट्रांसमिशन है वो देखने को मिल जाता है। इसका गियर BMW टाइप्स इंस्पायर्ड रहता है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये है कुछ XUV300 का इंटीरियर अगेन, तो ये कुछ आपको इंटीरियर में भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये थे कुछ चेंजेस एंड डिफरेंसेस बिटवीन दी XUV400 एंड दी XUV300। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल ताकि हमें रीसेंट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।